मोदी जी क्या चाहते हैं कि सारे फौजी मर जाएं? देश के सैनिक सड़कों पर, देश का दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। अगर आप उनकी जगह के साथ जो हुआ, मैं तो यही कहूंगी कि अच्छा ही हुआ। ये मोदी झूठ बोलते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे साथ जनरल सतबीर हैं, जो कई सालों से यहाँ जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन के लिए बैठे हैं। सरकार का तो कहना है, लोकसभा चुनाव से पहले भी वो कह चुके हैं, हम वन रैंक वन पेंशन दे चुके हैं और फौजियों के नाम पर तमाम वोट मांगे गए लोकसभा में। लेकिन बात करते हैं जनरल सतबीर से, कितनी सच्चाई इस बात में, क्यों बार बार ये लोग यहाँ आ रहे हैं अगर वन रैंक वन पेंशन दे दिया गया है? जी सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप मुझे बताएं, इतने सालों से आप यहाँ बैठे हैं, मोदी सरकार तो कह रही है वन रैंक वन पेंशन हम लोग दे चुके हैं, फिर आप लोग क्यों परेशान? देखिए, अगर वन रैंक वन पेंशन सरकार ने दे दिया होता तो हम सैनिक जो स्पेशली चुने जाते हैं, जिसमें सभी क्वालिटीज होती हैं, हम सच्चे देशभक्त होते हैं, हम सच्चाई से अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, देश की जो इंटेग्रिटी सॉवरेंटी को बरकरार रखने के लिए गोली खाते हैं, तो हम एक ऐसी बात नहीं करेंगे कि हमको कोई चीज़ मिल गई और फिर भी हम कह रहे हैं कि वो नहीं मिली। ये बिल्कुल गलत है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया। जो लागू किया है वो केवल वन टाइम इंक्रीज इन पेंशन है, वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। मैक्सिमम उसको वन रैंक पाँच पेंशन कह सकते हैं। तो वन रैंक वन पेंशन कहाँ से हुई? सरकार ने हमें वायदा किया, प्रधानमंत्री ने हमें वायदा किया 2013 में। आज के डिफेंस मिनिस्टर साहब उस वक्त के प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, और आज के प्रधानमंत्री साहब नॉमिनी थे उसके। उन्होंने रेवाड़ी में हमें वायदा किया कि हम वन रैंक वन पेंशन फौजियों को देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद नहीं हुआ। जब नहीं मिला तो 15 जून 2015 से हमने लगातार ये मुहिम जारी करी। आज 1600 दिन है। हम ये 1600 दिन के को कमेमोरेट करने के लिए और पूरे देशवासियों को बताने के लिए, आपके माध्यम से ये हर जगह पे पास करने के लिए कि 1600 दिन से सैनिक और सैनिक परिवार लगातार मुहिम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो, लेकिन फिर भी सरकार और स्पेशली प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं और बोलते हैं हमने वन रैंक वन पेंशन दे दिया। अभी रेवाड़ी में 19 तारीख को फिर बोला उसी जगह से कि हमने वन रैंक वन पेंशन दे दिया, लेकिन वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। हम फिर सरकार को कहना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, अगर दे दिया तो हमें प्रूव करें कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन दे दिया। नहीं दिया, हम कहते हैं कि नहीं दिया। एक जवान का 5000 का फर्क है, एक जेसीओ को और पीछे कर दिया, और एक अफसर का 10000 का फर्क है। क्यों, ये वन रैंक वन पेंशन है? नहीं, हमारे साथ धोखा ना करें, हमारे साथ झूठ झूठी ना करें। हमने आपको आपको माना कि आप हमारे देश को आगे चलाने वाले थे, तभी 2014 में सपोर्ट किया। हमारे जनरल वी के सिंह साहब आपके साथ गए, हम भी मारेवाड़ी में बोले और उस वक्त वायदा किया गया, तो क्या वो वायदा झूठा था? क्या हम सैनिक कोई ऐसे बेवकूफ हैं चल रहे? हम यहाँ पे हैं अपनी मांग की आवाज़ उठाने के लिए, एक डिसिप्लिन में रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और हम प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ। जैसे जनरल वी के सिंह का आपने जिक्र किया, यहाँ पे वो मंत्री भी रहे हैं पिछले सत्र में, पिछले जो सरकार 2014 से 19 तक चली, क्या उन्होंने डिमांड नहीं की आप लोगों के लिए? देखिए, आप लोगों के साथ खड़े थे, देखिए सरकार में भी अभी भी हैं। देखिए, क्या मजबूरी है जनरल वी के सिंह की? हाँ। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जनरल वी के सिंह ने जो उम्मीद हम सैनिकों ने उनके ऊपर लगाई थी उस पर पूरे नहीं पड़े। तो उनको सरकार को जरूर कहना चाहिए था, वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त और उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि पे थे, अब उनके सामने भी ये बात चीज जारी थी, और जब वो बाद में बीजेपी में चले गए, हम भी उनके साथ गए, हमने बीजेपी को सपोर्ट किया 2014 में उस वक्त, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था। हमने इसलिए नहीं करके हम तुम्हें वन रैंक वन पेंशन देंगे, चारों दिशा में घूमकर आज के प्रधानमंत्री ने बोला था कि आपको इतने साल से नहीं मिली, हम देंगे आपको वन रैंक वन। हमने इनके ऊपर मान लिया, हमने उनको भरोसा कर लिया कि वो देंगे, लेकिन जब हो गए क्यों नहीं देना चाहते, क्या वजह है? पूरी तरह बाबू लोग और जो पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक कंबाइन स्कीमिंग, क्यों नहीं देना चाहते? प्रधानमंत्री जवाब दे सकता है, मैं नहीं। हमें दुख है जिस देश के सैनिक सड़कों पर, देश का दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि अगर वो नहीं हमको दे रहे, ये बात है। आप यहाँ आए हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, पेंशन नहीं मिल पा रही है, बताएं थोड़ा। वन रैंक वन पेंशन के लिए हम आते हैं, लेकिन वन रैंक वन पेंशन अभी तक नहीं मिला है। ये मोदी झूठ बोलते हैं, जगह जगह जाते हैं, फौजियों के बीच में जाते हैं और भी कहीं जाते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं कि वन रैंक वन पेंशन दे दिया, लेकिन नहीं दिया है। नहीं दिया। हाँ मैडम, आप कुछ कहने?
मैं तो यही कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी झूठ बोलना बंद करें और जो हमारा हक है वो लागू करें। हाँ, वरना फौजी तो जाग ही चुके हैं, 5 साल से सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो बहुत तकलीफ होती है हमें, बहुत शर्म भी आती है सड़कों पर बैठे हुए। और बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ यहाँ भूख हड़ताल में बैठते थे और आज यहाँ नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए हैं। तो मोदी जी क्या चाहते हैं कि सारे फौजी मर जाए, वो देना ही नहीं चाह रहे। दब इलेक्नी आवाज नहीं दबेगी। हर महीने हमारे 5-6 हजार भाई रिटायर हो रहे हैं, तो जितने हमारे अगर भगवान बुलाता भी जाएगा तो रिटायर हर महीने होते जाएंगे। ये बिना हक लिए तो सर ये मुहिम खत्म नहीं होगी। सर आपसे आखिरी एक सवाल, वीके सिंह अभी सरकार में है लेकिन आपको लगता है उन्हें भी साइड किया गया? वो फौजी थे तब भी उनका मान नहीं रखा गया, जबकि फौजियों के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा है 2019 का। देखिए, जो वीके सिंह साहब की शख्सियत थी और उनको मेरा ख्याल जो उनको कुछ दिया गया वो बहुत वो उस पे बहुत कम था, उनको बहुत ऊंची उपाधि देनी चाहिए थी और दूसरा रक्षा मंत्री बनाना चाहिए था, क्योंकि वो समझ सकते थे रक्षा मंत्री वो हक है पर प्राइम मिनिस्टर का, वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि एक उनके पास बहुत अच्छा प्रोफेशनल अवेलेबल था, उसको ठीक तरह से इस्तेमाल करते और वो देश की जो सुरक्षा थी प्रणाली उसको अच्छा करने के लिए उनको ताकत देते, उनको अथॉरिटी देते। हमें तो ऐसा लगा कि सिर्फ वो लोगों को उधर से जो हमारे लोग कुछ बाहर बंदी थे उनको वहाँ बाहर ले आए गाड़ी में बैठाकर, कभी इधर कर दिया। क्या हम वो फटीक पार्टी है? वीके सिंह साहब को फटीक पार्टी की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन वीके सिंह साहब ने भी उसका अपने जरूरत से काम करना चाहिए था। अगर उनको लगा कि उनको एक तंग दिली में रखा हुआ है तो मेरा ख्याल अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं छोड़ देता। बहुत बड़ी बात बोली आपने, अगर आप उनकी जगह के साथ जो हुआ मैं तो यही कहूंगी कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने जब हमारे ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया जनरल वीके सिंह ने एक शब्द नहीं बोला। अगर उनकी जगह दूसरा कोई जनरल होता तो अपनी कुर्सी को लात मार के और जंतर मंतर पे जन सतवीर का साथ दिया होता। आज हम उनको सिर आंखों पे बिठाते, लेकिन उसके बाद हम उनको सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री एक नेता मानते हैं, हमने जनरल लगाना ही छोड़ दिया उनके आगे। बाकी की तरह उन्होंने भी वही किया, सत्ता मिली और सब भूल गए वो सैनिक की तकलीफ जानते ही नहीं। इस पर आप लोग क्या कहना, कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जो फौजियों के साथ हो रहा है वो निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। फौजी यहाँ पर बैठे हैं अपने हक के लिए, अपने हक जो उनका बनता है, लेकिन मोदी सरकार इस पर झूठ बोल रही है। जनरल सतबीर सिंह ने सब बड़ी बातों का खुलासा किया, आप इस पर क्या कहेंगे, उस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।